इस न्यूज के प्रायोजक है मालवीय इलेक्ट्रिक जंक्शन मेन बाजार फलासिया, जहां आपको मिलेंगे फ्रिज, एसी, गीजर, एलईडी, चिमनी, वॉशिंग मशीन सहित इलेक्ट्रिक आइटम सबसे सस्ती दर पर। स्पेशलिस्ट फ्रिज, एसी, कमर्शियल मशीन व आइस कैंडी मशीन को घर बैठे ठीक करवाए, वाजिब दाम में लगवाए आरओ। संपर्क करें मनीष लोहार, होलीघाटी, फलासिया। फोन नंबर 9680844332। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अब देश में बिना स्मार्टफोन इंटरनेट के जरिए भी यूपीआई से पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। केवल अपने फोन से एक कॉल करके व्यक्ति जिसे चाहे उसे मनी ट्रांसफर करने समेत दूसरी सुविधाएं फास्टैग, मोबाइल रिचार्ज के अलावा अन्य बिल ले सकेंगे। ये बात उदयपुर में हुए आईटी एक्सपो में मीडिया से बात करते हुए डिजिटल इंडिया के सीईओ अमिताभ नाग ने की। दरअसल देश में अब भी एक वर्ग ऐसा है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। कई जगह इंटरनेट की सुविधा नहीं होने पर भी लोग यूपीआई की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। सीईओ अमिताभ नाग ने बताया कि हमारा उद्देश्य डिजिटल और लिटरेसी गैप को पाटना है। वर्तमान में वॉइस कमांड के जरिए यूपीआई से भुगतान की फैसिलिटी देश में शुरू हो गई है। ये दो भाषाओं हिंदी अंग्रेजी में चल रही है। इसे आगे हम 5 रीजनल भाषा में भी जल्द शुरू करने वाले हैं। अब उन लोगों के लिए यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर रहे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। जहां इंटरनेट नहीं है वहां भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया इसके लिए यूजर को अपने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन हो या साधारण कीपैड वाला फोन से एक नंबर डायल करना होगा। उस नंबर को डायल करने के बाद आपसे सर्वर उस नंबर या व्यक्ति के बारे में पूछेगा जिसे आपको यूपीआई के जरिए पैसा ट्रांसफर करना है। अगर आपके पास नंबर सेव नहीं है तो आप उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर बोलकर या टाइप करके बताना होगा। नंबर मिलने के बाद सिस्टम उसे यूपीआई अकाउंट से जांचेगा, बताएगा कि ये नंबर किस व्यक्ति का है। उस व्यक्ति का नाम बोलने और आपसे कंफर्म करने के बाद सिस्टम वह राशि पूछेगा। राशि बताने के बाद सिस्टम आपके खाते से संबंधित व्यक्ति को राशि ट्रांसफर कर देगा।